लेकिन बड़ा अद्भुत प्यास से नहीं तल रहा, ये सदा से तल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा। जब फिर बार बार पृथ्वी की रचना होगी तब भी हर समय प्रकृति पुरुष की ओर भागती रहती है। हर वस्तु अपनी आयु की ओर दौड़ती रहती है। हम कितना भी कोशिश करते रहें, कितना भी रोकने के लिए लालायित हों, लेकिन रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हर शरीर, हर वृक्ष, हर योनि, हर जीव भाग रहा है काल के साथ, समय के साथ, प्रकृति के साथ। नए शरीर के लिए, नए चोले के लिए जिस प्रकार से हम एक वस्त्र खरीद लेते हैं, कुछ दिन तो उसका महत्व रहता है, लेकिन जो ही नया वस्त्र आता है हम भागने लगते हैं नए की तलाश के अंदर, तो खोजने लगते हैं। तो उसी प्रकार से हर शरीर भाग रहा है उस काल के पहरे के अंदर। एक एक तो पल अक्षीण होता जा रहा है, अनुभव भी नहीं हो रहा, महसूस भी नहीं हो रहा, पता भी नहीं कर पा रहे, लेकिन भाग रहा है जरूर। क्योंकि अगर नहीं भागता तो अक्षण अक्षण जो व्यर्थ जा रहा है, जो अक्षण अक्षण हम गवा रहे हैं, जो अक्षण अक्षण हो रहे हैं, जो एक एक सांस कर कर के लिए आयु पल पल घट रही है, क्यों भरती, क्या कारण है? जीव से लेकर के शिव तक, विष्णु तक, ब्रह्मांड तक की भी आयु निर्धारित है, जिसका समय निर्धारित कर दिया गया है, जो समय के अंदर बांध दिया गया है, जो काल के अंदर बांध दिया गया है, जो महाकाल के अंदर घेर दिया गया है, वो कभी न कभी तो उसकी आयु हो ही जाएगी, कभी ना कभी तो उसका खेल चला ही जाएगा। ये उस चेतना की जो आप सब के अंदर विराजमान है आत्म रूप में, ये कभी नष्ट नहीं होगा। शरीर नष्ट हो सकता है, जो सदा से था, है और रहेगा, लेकिन बिना प्रेम के उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना प्रेम के सब कुछ अधूरा है। बिना प्रेम हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। एक प्रेम ऐसी ताकत है, उसका शरीर ज्ञान का रूप है, बहुत कुशागर बुद्धि होती है, तेज बुद्धि होती है, बहुत तेज पकड़ होती है, ज्ञान बहुत जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन प्रेम बड़ी मुश्किल से करता है। इस कारण से बहुत ज्ञानी महापुरुष हुए, लेकिन प्रेम बहुत कम हुए, बहुत कम। प्रेम को व्यर्थ समझता है पुरुष, लेकिन जो नारी का शरीर है, नारी की बुद्धि है, वो हर किसी से प्रेम करती है, बच्चों से लेकर के पिता तक, परमात्मा तक एक ही रास्ता खोजती है उस परम चेतना का, कि प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जाए, सब कुछ उसको अर्पण कर दिया जाए, तभी उसकी प्राप्ति हो, तभी हम उसको प्राप्त कर सकें। क्योंकि उसके पास केवल एक ही माध्यम होता है, एक ही पहुंचने का उपाय होता है, वो उसके द्वारा वहां पहुंचने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से वहां उस परम चेतना बिना प्रेम के अपने अहिल्या का नाम सुना होगा जो पत्थर की हो गई थी, कौन ऋषि की पत्नी, लेकिन ये नहीं सुना होगा गौतम की शादी कैसे हुई, अहिल्या कहाँ से आई, बहुत से प्रश्न ऐसे हो।
उस समय गौतम ऋषि जनकपुरी से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास दूरी है वो वहां रहते थे। ये नहीं कि इधर एकदम से आया और सब घटनाएं घट गई, इस प्रकार से नहीं हुआ। अहिल्याबाई ब्रह्मा जी ने अहिल्या को गौतम ऋषि को सौंप दिया। बचपन से ही अल्पायु से ही पालने के लिए सौंप दिया, जिस प्रकार हम बच्चे को सौंप देते हैं। तो इसी प्रकार से उस बच्चे को सौंप दिया गौतम ऋषि को। जब युवावस्था हुई तो गौतम जी ब्रह्मा जी के पास ले करके गए अहिल्या को, ये आपकी अमानत है, आपने मुझे सौंपी थी, आप इसको संभालो, क्या करना है क्या नहीं करना। ब्रह्मा जी ने उस समय स्वयंवर की प्रथा थी, उस समय प्रतियोगिता की प्रथा थी, उस समय पात्रता की प्रथा थी। तो ब्रह्मा जी ने पात्र देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कराई कि जो पहले इस पृथ्वी का चक्कर लगा करके आएगा उसी को ये अहिल्या सौंप दी जाएगी। अहिल्या का रूप बड़ा तेजस्वी था, इंद्र बहुत प्रभावित था उसे देख करके और उसे पाने के लिए लालायित रहता था। तो वो भी स्पर्धा में शामिल था, सब देवता राजा ऋषि मुनि पितर हर कोई पाने के लिए लालायित। सब भाग लिए, दौड़ चले पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन गौतम ऋषि वहीं खड़े रहे। कामधेनु गायें जो उस समय गर्भवती थी, गौतम ऋषि ने उसकी दो प्रदक्षिणा की, दो परिक्रमा की। परिक्रमा का बड़ा महत्व है, उन्होंने दो परिक्रमा की और ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस गाय के शरीर के अंदर सब देवी देवताओं का वास है, तो इसको इसके शरीर को भी पृथ्वी माना गया है। उन्होंने दो परिक्रमा की, उनसे श्रेष्ठ माना गया और तुमने इसे हृदय से स्वीकार किया काम देने को, तो मैं तुम्हें ये अहिल्या सौंपता हूं। तो गौतम को अहिल्या मिल गई, लेकिन इंद्र की जो कुदृष्टि थी वो उसी समय से उसके ऊपर थी। बहुत एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि को फंसाने की कोशिश की,